नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी गई है, प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% अंक जरूरी होंगे, साथ ही साथ बीएड की भी अनिवार्यता कह दी गई है। प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने पर सहमति, परास्नातक पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। यूपी के 828 राजकीय और 4084 अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए परास्नातक डिग्री को अनिवार्य बनाया गया था, साथ ही साथ उस पर 50% होना चाहिए और बीएड की भी बात कही जा रही है। देखिए, दिया है 50% अंक के अनिवार्य किए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने पर विशेषज्ञों की सहमति जताई है। सूत्रों के अनुसार अर्हता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है, इसे मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगली वैकेंसी में ऐसा कुछ संभव हो सकता है कि बिना बीएड वाले अभ्यर्थी अब पीजीटी में आवेदन न कर पाएंगे। वहीं एलटी ग्रेड प्रवक्ता के 12,135 पदों पर शीघ्र भर्ती होने की बात आज के समाचार पत्रों में छपी है। प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं को की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि राजकीय हाईस्कूल और राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त 12,135 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के लिए भेजा जा चुका है। इसमें शिक्षित प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एलटी के 7,006 एवं प्रवक्ता के 5,129 पद रिक्त हैं। एलटी माध्यमिक के गुप्ता की जो कि वहाँ के हेड हैं, उन्होंने बताया है, उन्हीं के थ्रू यह सूचना आज के समाचार पत्रों में दी गई है। वहीं रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड की जो काउंसलिंग है 28 सितंबर से कराएगा, ऐसा आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। यानी बीएड की जो काउंसलिंग है 28 सितंबर से शुरू हो जाएगी। जो भी अभ्यर्थी बीएड काउंसलिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा रहे थे, वो सब रेडी रखें। 15 तारीख बीच में बताई गई थी, किंतु अब जो है 28 सितंबर कर दी गई है। आप सभी अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा करके तैयार रखें और उस तय समय पर आपकी काउंसलिंग होनी है। वहीं आप देख लीजिए, 10,00,000 सरकारी भर्तियों को लेकर के भी आदेश जारी किया जा रहा है। बार बार यह बातें समाचार पत्रों में हैं, लेकिन जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं उस पर अभी भी सरकार नए जो है वैकेंसी निकाल नहीं रही है, और न ही जो बची हुई परीक्षाएं हैं उनको ही कराने पर सरकार का ध्यान है, जबकि बार बार ये इस तरह की सूचनाएं आपको समाचार पत्रों में देखने को मिलती हैं। वहीं 1.5 साल बाद बीयू भर्ती का कटाव देगी आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से होने वाली बीयू की जो परीक्षा है उसका कटाव लगभग 1.5 साल बाद जारी होने जा रहा है। आपको बता दें कि यह कटाव जारी न होने से तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इंतज़ार करते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि उनसे किस विषय में कितनी चूक हुई। समय रहते अगर इसका जो है कटाव जारी किया जाता तो अभ्यर्थियों में इसके प्रति दृढ़ता बन पाती। ऐसे ही तमाम वैकेंसीज हैं यूपीसीएस की जिससे कि रिलेटेड कटाव बहुत देर में जारी किया जाता है। वहीं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी अनवरत अपनी बातें रख रहे हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती में पद बढ़ाने और शासनादेश जल्द जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक बेसिक शिक्षा से मुलाकात करने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती शुरू हुए 2 साल पूरे हो चुके लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, लिहाजा इन 2 सालों में सेवानिवृत्त जो हुए हैं शिक्षक उनके स्थान को भी रिक्त मानते हुए भर्ती जारी की जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी करने की भी बात कही है। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती 2019 के चयनितों ने अपनी वेदना उप मुख्यमंत्री से रखी। उप मुख्यमंत्री ने इससे यथाशीघ्र करने की बात कही है, और इसमें यथाशीघ्र का क्या अर्थ है और कितनी जल्दी होगी यह वक्त ही सूचित कर पाएगा, बता पाएगा।
वहीं देखिए अगली जो सूचना है, इंटरव्यू में दिव्यांग से चलवाई साइकिल मुआवजे का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजकीय डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी चपरासी व पद पर साक्षात्कार देने आए दिव्यांग से जबरदस्ती साइकिल चलवाने वाले मामले में सुनवाई करते हुए इंटरव्यू के दौरान ऐसा जबरन साइकिल चलवाना और तमाम ऐसी क्रिया करने की बेस पे उस आदेश जारी किया है कि मुआवजा भी उसको दिया जाए और स्पष्ट कहा है कि कहीं न कहीं दिव्यांगजनों का अपमान भी है, ये हितों की रक्षा न करते हुए अपमान किया गया है, इस नाते मुआवजा ज़रूरी है। वहीं नया लिंक खत्म करते ही DLED में फर्जी प्रवेश तैयार होगा डाटा। तो अब जो है नया लिंक तैयार हो रहा है जिसके तहत अब फर्जी जो एडमिशन हो जाया करते थे वह अब समाप्त हो जाएंगे। DLED में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी PNT जारी करेगा लिंक। आपसे बता दें कि इसमें लास्ट तक एडमिशन होते रहते थे, उस गणित को समझते हुए PNP ने यह लिंक जारी करने की बात कही है। निकाय चुनाव नवंबर के अंतिम से या दिसंबर के पहले सप्ताह होने की उम्मीद लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नवंबर के अंतिम या दिसंबर के पहले सप्ताह तक कराए जाएंगे। नगर विकास मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात रखी है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है चुनाव से संबंधित। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, डिबार किए गए 8,500 विद्यार्थियों ने दिया स्पष्टीकरण। प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय की तरफ से आपको पता है स्नातक तृतीय वर्ष BA BSc BCom में 8,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया गया था। अब इन 8,000 अभ्यर्थियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। अंतिम निर्णय कमेटी लेगी, उसके बाद भी क्या करना है ये चीज़ निश्चित किया जाएगा। वहीं गुहार लगाई गई है, इंतजार में बीत गए 7 साल, अब तो नौकरी दे दी जाए। आपको बता दें कि यह आबकारी विभाग के अभ्यर्थी हैं और लगातार यह अपने ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। 7 साल बीत जाने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, इसी की बात ये अपनी रख रहे हैं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।